मंगल पांडे जी थे, उन्होंने लिख कर राइटिंग में मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके समाज को आरक्षण लागू करेंगे। तो ये उनको करना चाहिए, आज वो नहीं करेंगे। और एक महिला पिछड़ा का बेटा आज लड़ाई लड़ रहा था, उनको आप कमजोर करने के लिए लगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक नारा दिया था, जिसके जितने हिस्सेदारी उतने उसके भागीदारी। मुकेश सहनी ने पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दरमियान मुकेश सहनी बीजेपी के कई नेताओं को पानी पी पी कर कोसते नजर आए। सहनी के प्रकोप से मंगल पांडे भी बच नहीं पाए। मुकेश सहनी ने 2015 की तस्वीर दिखाकर दावा किया, 2015 में तब के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने लिखित में उनको निषादों को आरक्षण देने का वादा किया था। मुकेश सहनी ये भी बताते दिखे कि पिछड़ों के आरक्षण के लिए किस तरीके से वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। मंगल पांडे जी थे, उन्होंने लिख कर राइटिंग में मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके समाज को आरक्षण लागू करेंगे। तो ये उनको करना चाहिए, आज वो नहीं करेंगे। और एक महिला पिछड़ा का बेटा आज लड़ाई लड़ रहा था, उनको आप कमजोर करने के लिए लगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक नारा दिया था, जिसके जितने हिस्सेदारी उतने उसके भागीदारी मिलना चाहिए। उनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात का हुआ कि एक अति पिछड़ा का बेटा पूरे बिहार में अति पिछड़ा को आरक्षण का कोटा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ये यही रहा कि उनको लगा कि ये निषाद की बात कल तक कर रहा था, ये अति पिछड़ा की बात करने लगा है। और इनकी मांग जो है वो जेन्यून है। किस तरीके से मैंने बीपीएससी का मैंने रिजल्ट दिया कि पुराना अति पिछड़ा समाज जो था उसको 18% के जगह 8% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और 10% जो है नए लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्होंने गलत किया, अपने वोट बैंक के लिए नए लोगों को जोड़ा लेकिन कोटा नहीं बढ़ाया। तो हमारा मुख्य लड़ाई अभी होगा कि अति पिछड़ा समाज को कोटा बढ़ाना और इसमें भी पार्टीशन कराने का हमारा मुख्य लड़ाई होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको तकलीफ में आया। इस दरमियान मुकेश सहनी ने ये भी बताया कि कैसे अपने ही घर से बेइज्जत करके एक पिछड़े के बेटे को बाहर किया गया, जिसमें एक का हमारा डेथ हो गया, तीन को आपने ले लिया, और तीन को लेने के बाद एक विधान परिषद तो ऑलरेडी हमारे इस एनडीए गठबंधन में है। और ये आप देखते होंगे कि सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में 75 साल के बाद पहली बार एक मल्लाह का निषाद का बेटा ने समर्थन देके बिहार में सरकार बना। आप बताइए, सरकार हमारा, ये घर हमारा, और हमारे घर से ही हमको लोगों ने बेदखल किया है। तो खैर, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। आज उनके पास ताकत है, पावर है, वो आज मुझे बेदखल कर दिए हैं, और कल मेरे पास भी हमारे लोग को भी ताकत होगा और हम लड़ाई लड़कर अपनी जगह को हासिल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूरे बिहार में कि हम ऐसा करेंगे। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इसके अलावा मुकेश सहनी से पूछा गया कि जब आप मंत्री के तौर पर इतने ही परेशान किए जा रहे थे तो पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इस पर देखिए मुकेश सहनी ने क्या कहा। अगर हमारा अधिकार है और उनके पास विशेष अधिकार है तो उसको हमको बर्खास्त करने का तो उन्होंने किया, उस पर मैं स्वागत किया उनको कि एक पति पिछड़ा को बेटा आपने किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला। क्योंकि मेरा घर है और मेरे घर में कोई बाहर निकालेगा कैसे होगा, और मेरे घर को कोई कब्जा करने के लिए आया मैं आसानी से उसको छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे होगा। माना कि मुझे 10 काम करना है, लेकिन 10 काम नहीं होता, 2 काम तो मैं कर रहा था। मैं कोशिश तो कर रहा था, 125 पितृपत्र मैंने लिखा, विभाग का काम आज आना कल उसको करना था। और मैं आज भी भले सत्ता में नहीं हूँ, लेकिन ये 125 पितृपत्र पे मैं काम करवाऊंगा, 146 पितृपत्र पे काम करूंगा। इसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, जो करना पड़े वो मैं कराऊंगा। आज बिहार में जो भी जलकर अतिक्रमण है, गैर मछुआरा वहां पे कब्जा है, ऐसे जगह पे मैं जाके लड़ाई लड़ूंगा और वो सब मैं करूंगा। मैं विभाग में रहता तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं इसकी लड़ाई लड़ सकता था, ऑर्डर देता और काम कराता। आपने देखा होगा कि मेरे विभाग में काम नहीं कर रहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके मैंने जहां तक मैंने अपने विभाग के पदाधिकारी को भी हमने बाहर करने का काम किया। तो हमारी ये लड़ाई था, उन लोगों को लगा कि ये ज्यादा काम कर लेंगे, अपने लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएंगे, तो जानबूझ के फंड देना रिलीज करना कम कर दिए, जानबूझ के काम कम होने दे रहे थे, तो ये सारे परेशान कर रहे थे। इसके लिए मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरे देश में, राज्य में मैं लड़ाई लड़ रहा था, अपने लोगों के हक अधिकार की बात कर रहा था। ऑपरेशन वीआईपी के बाद मुकेश सहनी और बीजेपी आमने सामने हैं। एक ओर जहां बीजेपी मुकेश सहनी को गलत साबित करने में जुटी है, वहीं मुकेश सहनी पूरे घटनाक्रम पर विक्टिम कार्ड खेलने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन जनता की सहानुभूति किसको मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।